हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समान हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 7 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट कितना 6 तक नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में शामिल किया गया है। वह वीडियो कहाँ पे मिलेगी? आप लोग की प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे। आप लोग उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एड हैं, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। एमपी पटवारी सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट एक बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा कि एक नंबर बन गया होता, सिलेक्शन हो जाता, एक पोस्ट लेके चले जाते। ठीक है, तो हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले अपडेट कर दी जाएगी। किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, अविर्भाव। अविर्भाव का आप लोग का विलोम शब्द बताना है। यदि आप लोग सच में अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, हिंदी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग से एक क्वेश्चन आसानी से बनना चाहिए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दी गई है, या आप लोग S Academy 99 सर्च करेंगे तो वो चैनल आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अविर्भाव का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा, सही आंसर होगा, सही जवाब हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन सेकेंड, तिरोभाव। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? अविर्भाव का जो है तिरोभाव होगा। बहुत लोग निर्भाव भी लगा के आते हैं, प्रादुर्भाव लगा करते हैं और अनिर्भाव भी लगा के आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा, अविर्भाव का जो है सही विलोम शब्द होगा तिरोभाव। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, यानी एक शब्द में इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अमर, अजर, उसर या कुलीन। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, क्या होगा? अजर। जिसको कभी बुढ़ापा आए उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, अजर। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ सही दिया गया है। चल्लू हो लहू पीना, चल्लू हो लहू पीना। यदि इसका आंसर दे पाते हैं तो आप लोग सच में अच्छे से पढ़ाई किए हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। चल्लू हो लहू पीना का सही मुहावरा क्या, अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? आप लोग के एग्जाम में एक मुहावरा, एक लोकोक्तियाँ जरूर पूछा जाए, या लोकोक्तियाँ पूछ लिया जाए या मुहावरा पूछ लिया जाए। तो ये बात जरूर रखिएगा कि मुहावरा लोकोक्तियाँ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, चल्लुओं का लहू पीना का सही अर्थ होगा क्या होगा? बहुत कष्ट देना। क्या होगा? चल्लुओं लहू पीना का अर्थ होगा बहुत कष्ट देना। ऑप्शन थर्ड आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग जो भी भाई बहन दोस्त यार प्यारे एमपी पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला सवाल है, उसको प्राण निकलने गए अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य में जो लिखा है उसको प्राण निकल गए, यहाँ तक के वाक्य में क्या अशुद्ध है आप लोग को बताना है। उसको निकल गए या प्राण, बताइए। उसको प्राण निकल गए, ऐसे शब्द आप लोग को वाक्य दे दिया जाएगा, बताया जाएगा इसमें से कौन सा जो शब्द है वो गलत है आप लोग को बताना है। तो बताइए इसमें क्या गलत है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उसको गलत है। ठीक है, इसका आंसर सही क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में सही करके आंसर लिख दिए। अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको एक शब्द में क्या बोला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। उसको बोला जाएगा क्या, ये बोला जाएगा विश्वस्त। क्या? विश्वस्त बोला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द क्या होगा। इसमें से सही शुद्ध वर्तनी कौन सा आंसर होगा। कालिदास बिल्कुल सही है।
कालिदास आप लोग कैसे लिखते हैं, ये सही लिखते हैं जो कालिदास ऊपर है या दूसरी तरह आप लोग लिखते हैं? पाई मात्रा का आप लोग जरूर ध्यान रखना, कालिदास, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी समान अर्थ का आप लोग को चयन करना है। राजा, राजा का समानार्थी आप लोग को बताना, किसका? राजा का समानार्थी आप लोग को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजा का समानार्थी आप लोग को बताना है, किसका? राजा का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ महीप। राजा का सही समानार्थी अर्थ हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ महीप, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांशों के लिए सही शब्द, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे? बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सेकेंड, विधुर बोला था। क्या बोला था? विधुर बोला था। आई होप सभी लोगों से एक क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए अगला सवाल है, क्रोध से लाल होने वाला अर्थ निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है, यानी क्रोध से लाल होने वाला का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ आप लोग को बताना है, मुहावरा है क्रोध से लाल होने वाले का अर्थ क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सेकेंड, आग बबूला होना, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ चतुष्कोण, क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग को यह वीडियो कैसे ली कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहले अपडेट के चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।